तो आज आज के लेक्चर में हम C++ में स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे। व्हाट इज स्ट्रिंग? सो बेसिकली स्ट्रिंग हम यूज करते हैं टू क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग व्हिच होल्ड द डेटा। स्ट्रिंग इज द वेरिएबल और स्ट्रिंग सॉरी स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप इज यूज टू क्रिएट अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल व्हिच होल्ड द डेटा। अब जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होंगे। जैसे कैरेक्टर इंट के बाद कैर आता था, कैर में हम सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल लेते थे, लेकिन जब स्ट्रिंग के बारे में कहेंगे तो स्ट्रिंग हमारा मोर देन वन कैरेक्टर होगा। मीन्स कैरेक्टर की हेल्प से बना हुआ हमारा एक कोई वाक्य होगा, कोई सेंटेंस होगा, जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। सो यूजर मस्ट predefined what is the variables type। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो एग्जाम्पल में लाइक एज मैं एक वेरिएबल लिया एंड वेरिएबल नेम इज स्ट्रिंग स्मॉल एस, वेरिएबल सॉरी डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, डेटा टाइप स्ट्रिंग इज द डेटा टाइप, सो डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। उसके बाद हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग का नाम लेंगे। Means then we take string name, after that assignment operator, then आप string के अंदर क्या क्या देना चाहते हैं वो values, double quoted comma के अंदर लिखेंगे, उसके बाद हमने semicolon लगा दिया। So this one is the syntax of string data type। Means अगर हम example की बात करें so in that case string data type, then string का नाम like as मैं बोल दिया greeting। उसके बाद assignment operator, then we take string in double quoted comma like as we say that hello। so this one is our variable which name is string, data type is a which name is greeting, data type is string and variable name is hello। अगर example पे किया जाए, example की बात की जाए, so मैं example भी यही बनाता चलता हूं, बाकी आप लोग अपना practice करिएगा। Like as a first we take header files, so has include, here we take io string dot h, after that अब चूंकि हम string ले रहे हैं so we need to add another header files called string, या फिर अगर आपका compiler या आपका editor जो है वो नहीं support करता है then we use string dot h header files। After that third line is a namespace, so we write namespace means using namespace। After that we take a standard, main function लेंगे, main function लेने के साथ उसका return type भी डालेंगे। यहाँ पे हम int return type ले रहे हैं, so we need to return a value inside the method or inside the function। तो दिस वन इज द मेन फंक्शन, इस फंक्शन की बॉडी ओपन हुई और बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हमने सपोज करिए चूंकि स्ट्रिंग टाइप ले रहा है सो वी टेक स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग नेम ग्रीटिंग, असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वैल्यूज ऑफ ग्रीटिंग इज हेलो, सेमीकॉलन लगा दिया। उसके बाद हमें प्रिंट करना है, देन वी यूज सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर। अब किसको प्रिंट करना है, ग्रीटिंग की वैल्यू, सो वी राइट ग्रीटिंग, तो ये हमारे ग्रीटिंग की वैल्यू प्रिंट कर देगा, सेमीकॉलन। उसके बाद चूंकि हमने मेन फंक्शन रिटर्न टाइप लिया हुआ है और रिटर्न हमारा इंटीजर है, सो वी नीड टू रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू लाइक एज अ 3। स्वेच्छा है, आपको कुछ भी दे सकते। So this one is our example।
how a string pattern will work. First we take header files, input output string. उसके बाद स्ट्रिंग के प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए वी नीड टू अनदर हेडर फाइल्स नोन एज अ स्ट्रिंग डॉट एच. उसके बाद हम नेम स्पेस का यूज करेंगे. सो वी यूज लाइन यूजिंग नेम स्पेस मेन फंक्शन उसके बाद, और सारा का सारा जो हमारा प्रोग्राम बनेगा वो मेन फंक्शन के अंदर ही बनेगा. तो ये हमारा एक स्ट्रिंग का छोटा सा प्रोग्राम. अब स्ट्रिंग में ही इसके बाद आता है कि भाई स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कैसे करेंगे. तो आप लोग पता है कि भाई अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो प्लस ऑपरेटर हमारे दो चीजों को परफॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोड. कि एक प्लस दो वैल्यूज को जोड़ता है, जैसे हमने 5 + 3 एक इंटीजर ए लिया जिसकी वैल्यू 5 असाइन की, एक इंटीजर बी लिया जिसकी वैल्यू 3 असाइन की, और मैंने बोल दिया इंट ए प्लस बी, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 5 + 3 = 8 आ जाएगा. लेकिन स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, स्ट्रिंग के केस में वी यूज अ प्लस ऑपरेटर बिटवीन स्ट्रिंग टू एड देम टुगेदर टू मेक अ न्यू स्ट्रिंग. मीन्स हियर प्लस ऑपरेटर इज नोन एज अ कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग. Plus operator is known as a concatenation string. So next one is string concatenation. So string concatenation means we use plus operator to perform string concatenation. Example के तौर पे header file हमने लिखा as include IO string dot h has include string dot h after that we use using name space standard then main function and we provide a return type. So we provide int as a return type and this one is a main function. Inside this main function we will write all our business logic. So like as a we take a string data type and here we take first name. This one is a variable name और यहाँ पे मैंने variable का नाम लिखा like as a Manish semicolon और उसके बाद again we take another string और first name another variable लिया surname. So here string is a data type and surname is a variable. Then we give values of this variables. So we take Gupta is a surname. So हमारे पास यहाँ पे दो string हुए, एक first name, एक surname. अब मुझे full name लेना है. Then we take another variable, full name. और full name क्या होता है? आप लोगों को पता ही है कि भाई अगर हम first name को जोड़ देंगे, जोड़ने का मतलब यहाँ पे हुआ कॉन्कैटिनेट करना. तो फर्स्ट नेम और सर नेम को हमने जोड़ दिया यानी कॉन्कैटिनेट कर दिया. देन वी फाइंड आवर फुल नेम.
अब इसी को हम प्रिंट करा लेते हैं। सो टू प्रिंट वी यूज सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, आफ्टर दैट फुल नेम, क्योंकि हमने मेन फंक्शन रिटर्न टाइप लिया हुआ है, देन वी नीड टू रिटर्न एनी इंटीजर वैल्यू, सो वी राइट 6। ये सारे हमारे स्मॉल लेटर। तो ये पूरा जो एग्जाम्पल हमने लिया है ये हमारा कॉन्कैटिनेशन का है। ये पूरा एग्जाम्पल हमारा कॉन्कैटिनेशन का है। यहां पे हमने दो स्ट्रिंग लिया और दोनों को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने का मतलब हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम स्ट्रिंग पे करते हैं वो है हमारा कॉन्कैटिनेशन। अब इसके बाद आता है एक फंक्शन दैट इज नोन एज अ अपेंड फंक्शन। तो अपेंड फंक्शन का भी यूज करके हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करते हैं। ये सी प्लस प्लस में होता है अपेंड फंक्शन। सो हम अगर अपेंड फंक्शन भी यूज करते हैं तो भी हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। सो वी नाउ वी सी व्हाट इज द अपेंड फंक्शन। अपेंड फंक्शन, अपेंड फंक्शन भी हमारा सेम टू सेम जैसे कॉन्कैटिनेशन फंक्शन काम करता है उसी तरीके से हमारा अपेंड फंक्शन भी काम करेगा। तो इसको भी समझ लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। सेम काम हैज इंक्लूड आयो स्ट्रिंग डॉट एच, आफ्टर दैट हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस, स्टैंडर्ड then we take main function int main, main function ke body start, after that we take string data type and variable name, first again first name then value, here we say x y z, again next we take a string last name and value of last name is abc. Now again we take another string full name, or full name mein kya hoga, फर्स्ट नेम नाउ वी यूज डॉट ऑपरेटर एंड अगेन वी यूज अपेंड फंक्शन एंड इन साइड द फंक्शन वी पास लास्ट नेम एज अ पैरामीटर। हियर इज द सिंटैक्स ऑफ हाउ वी अप्लाई अपेंड फंक्शन। सो स्ट्रिंग फुल नेम लिया और इसी फुल नेम में हमने फर्स्ट नेम के साथ डॉट ऑपरेटर लगाया, और डॉट ऑपरेटर के लगाने के बाद वी यूज अपेंड फंक्शन एंड इनसाइड द अपेंड फंक्शन वी पास लास्ट नेम एज अ पैरामीटर। फाइन, नाउ सी आउट। सी आउट मींस
what we want to print, then we want to print full name. So we write full name. Now this program will print full name. Means this will be print first XYZ, then ABC. अच्छा हमने यहाँ पे मेन फंक्शन रिटर्न टाइप इंटीजर ले रखा है, सो वी राइट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू लाइक एज सेवन. सो ये हमारा अपेंड का एग्जांपल हुआ. अपेंड फंक्शन परफॉर्म सेम थिंग विच वी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटेनेशन. नेक्स्ट नंबर्स एंड स्ट्रिंग. अब जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि जो प्लस ऑपरेटर होता है वो हमारा एडिशन के तरीके से भी वर्क करता है और कॉन्केटिनेशन के तरीके से भी वर्क करता है. और एग्जांपल भी दिया था कि भाई अगर ए बी दो वैल्यू लिए हुए हैं और उन दोनों को ऐड करना है, then we use a plus b. तो उस केस में हमारा तो ठीक है. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि अगर यहां पर लिख देते हेडिंग नंबर एंड स्ट्रिंग. तो इस केस में मैं अगर एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल के तौर पे लाइक एस वी टेक इंट ए इज इक्वल टू 10 एंड इंट बी इज इक्वल टू 20. नाउ वी वांट टू ऐड इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो ऑब्वियसली वी नो दिस विल गिव आउटपुट 30. Means 10 plus 2 is equal to 30. कोई दिक्कत नहीं. But if we take another example and here we take a data type string, we take variable name as a and we assign value 10. Reason that here we define data type as a string, so we need to double quoted comma to hold the values. Again we take another string, string b is equal to double quoted comma 20. Now string c is equal to, we want to add both variables a plus b. Now, what will be the output in this case? अब यहां पे ध्यान दीजिए कि here A and B both are string data type, not integer data type. यहां पे हमें देखने में 10 और 20 दोनों integer लग रहे हैं, लेकिन हमने उसे double quoted comma के अंदर डाल दिया है और double quoted comma के अंदर डालने के बाद जो हमें अभी integer type का दिख रहा था, now this will be treated as a string data type. So jo output aayega wo hamara 30 nahi aayega, iska output pehle a ki value aayegi, uske baad concatenate ho jayega b ke sath. So here output of this program will be 10 20, not 30. This one 10 20 means 1 0 2 0. yahan pe hamara number aur string dono ke tarike se kaam kar raha hai plus operator. So here, if we use a plus operator, तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई वो हमारा integer type का है या फिर character type का. ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा.
अब आपने स्ट्रिंग में कई सारे ऑपरेशंस पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में जब सी पढ़ रहे होंगे, तो स्ट्रिंग में किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हैं, लेंथ फाइंड आउट करते हैं, पहले दो कैरेक्टर्स को लेते हैं, लास्ट के दो कैरेक्टर्स को लेना या बीच के कैरेक्टर्स को लेना, या पहले स्ट्रिंग के दो कैरेक्टर का दूसरे स्ट्रिंग के लास्ट के दो कैरेक्टर के साथ अपेंड करना। तो ये बहुत सारे ऑपरेशन सी में पढ़ाया गया आप लोगों को। तो उसी में से जो पहला चीज था, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग वी यूज लेंथ फंक्शन। तो नेक्स्ट इज स्ट्रिंग लेंथ। हाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, how to find the length of a string. So we use length function, le and gth, length function, to find the length of a string. So for example, if we try कि हम लोग कैसे length find out करेंगे, तो सिंपल सा एग्जांपल, कोई ज्यादा टफ नहीं है। पहले हम दोनों हेडर फाइल्स लिखेंगे, हैस इंक्लूड एसटीडी सॉरी आईओ स्ट्रिंग डॉट एच और हैस इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। देन नेम स्पेस का यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम मेन फंक्शन लेंगे। इनसाइड द मेन फंक्शन हम कोई स्ट्रिंग लेंगे। अब फंक्शन आप जैसा भी लेना चाहें, रिटर्न टाइप ले रहे हैं तो वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। आप लोग खुद इतने अंडरस्टूड हो गए हैं कि ये काम कर सकते। सो मेन फंक्शन के अंदर अगर हमने एक स्ट्रिंग लिया लाइक एज ए वेरिएबल नेम इज टेक्स्ट, और इसके अंदर हमने ए बी सी डी ई एफ, नाउ वी फाइंड द लेंथ and we want to print the length, so we use c out, or c out ke baad insertion operator, then what is the length? Suppose kariye we want to print the message, so length kaun hai bhai ye, so we want to print length l e n g t h, length of the string is, now again we close this insertion operator, then txt, because we use variable name txt dot, we use length function to print the length. So this line will be print length of string is, उसके बाद जो हमने ये लाइन लिखा है text dot length, this will find the length, और जो length होगी like as 6, तो 6 यहाँ पे print कर देगा। उसके बाद जो आप लोग return type देना चाहते हैं, वो return type easily यहाँ पे दे सकते हैं।